हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। जी हां, YouTube पे वीडियोस अपलोड करने के एक प्रोफेशनल तरीका क्या है, उसमें आप जो है टाइटल कैसे लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे हमें लिखना है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टैग, और टैग के साथ आपको एंड स्क्रीन लगाना, कार्ड लगाना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे YouTube वीडियोस को अपलोड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को ऐड नहीं करते तो आपका YouTube का SEO नहीं होगा। SEO का मतलब कि आपका जो है वीडियो सर्च पे टॉप पे नहीं आएगा, और अगर टॉप पे आपकी वीडियोस नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता आपका कोई सर्च करेगा या फिर आपके वीडियोस को कोई देख पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने वीडियोस को एक प्रॉपर तरीके में लगाना, और उसके बाद ही आपका वीडियो जो है रैंक करेगा टॉप 10 में यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे करना है YouTube वीडियो को। तो सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये मेरा एक वीडियो है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने लाइव अपलोड करके दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइटल कैसे ऐड करना है प्राइवेट से। जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो आप प्राइवेट कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसको आपके सामने कर रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक करने के बाद जो है मैं इसको, एक मिनट नहीं हुआ, तो इसको करना है पब्लिक, और पब्लिक करने के बाद डन। और अभी आपके सामने जो भी काम होगा लाइव होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है आपको डालना है इसमें एक टाइटल। आप एक बढ़िया से टाइटल को सोचिए, तो ये है, मैं यहाँ पे डालूँगा हाउ टू रिपेयर ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि एक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके रिपेयरिंग को कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है इसको रिपेयर करना, इसके लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, मतलब इसकी रिपेयरिंग कैसे करना है, इसमें मैंने किस किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि जैक को कैसे रिपेयर करना है, अपने स्पीकर को कैसे रिपेयर करना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इसी को, अपने टाइटल को आपको इसमें पहली बार पेस्ट करना होता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और इसके लिए अब चल रहा हूँ कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को ढूंढने, जो कि इसके बारे में। तो आप उस जो है टाइटल को सर्च कर लें गूगल पे, और गूगल पे सर्च करने के लिए आपके सामने बहुत सारा रिजल्ट आ जाता है, तो इसमें से आप कोई भी एक कॉपी कर लें। तो हाउ टू फिक्स माई ब्लूटूथ स्पीकर, ये आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर वाई इज़ देम नो साउंड कमिंग इन माई ब्लूटूथ स्पीकर। तो जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से इस वाले को, स्पीकर की रिपेयर कैसे करते हैं, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके अपने YouTube पे इसको, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है वहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहला काम अपने टाइटल को अपने डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन में ऐड करना, दूसरे में अबाउट वीडियो, मतलब कि अपने वीडियोस के बारे में बताना, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा और इसको कॉपी करना पाऊँगा, क्योंकि इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको वापस कर देनी है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट। आप जो है डिस्क्रिप्शन 5000 वर्ड तक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप इसमें जो भी लिंक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब एक जो है अपने वीडियो के लिए अच्छा सा थंबनेल यूज़ करना चाहूँगा, तो ये बीच वाला बढ़िया है, ठीक है। ये YouTube आपको ऑलरेडी 3 दे देता है, वरना आप चाहें तो इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। साइड में आपको दिया गया है इमेज थंबनेल। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा इंड स्क्रीन। इंड स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, कि जो आपका व्यूअर आया है वो आगे भी आपके वीडियो को देखे। तो मैं यहाँ दो अपने वीडियो को ऐड करूँगा इंड स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप चूज़ वीडियो में जाएँ, चूज़ वीडियो में जाने के बाद इस वीडियो से रिलेटेड ही आप वीडियो लगाएं, क्योंकि कोई बंदा आपका अगर इस तरह के वीडियो देख रहा है तो वो इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से अपने वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड है, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक और है ब्लूटूथ रिपेयर का, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और फिर जाऊँगा एक और वीडियोज़ लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो सेलेक्ट किया हुआ है। तो दूसरे में मैं यहाँ पे YouTube के बारे में बता दूंगा, या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट को लगा दूंगा, और उसके बाद आपको सिंपली करना है सेव। तो हमारा एंड स्क्रीन लग गया है। अब अगला काम आता है हमारा कार्ड को ऐड करना। जी हाँ, कार्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है आपके व्यूज़ के लिए, और आपके YouTube की जो है वीडियो की रेटिंग के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपली करना कार्ड पर क्लिक, और कार्ड पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जो है दो दो मिनट की डिस्टेंस या तीन तीन मिनट की डिस्टेंस पे अपने वीडियोस को इस तरीके से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें से उससे रिलेटेड लगा दूंगा यहाँ पे,
एक और वीडियो, और यहाँ से आप जितना वीडियो चाहें उतना वीडियो जो है अपने यूट्यूब के वीडियोस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कार्ड के थ्रू, इंड स्क्रीन के थ्रू। आप जब भी कोई मूवी देखते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सारा कार्ड लगा रहता है, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। तो ये हो गया हमारा काम, चार जो है चीज़ें मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया। अगर आपका जो है यहाँ पे करना है सो द लेस और सो द मोर, तो हमें करना है मोर में। और ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेड प्रमोशन, क्या आप कोई वीडियोस इसमें ऐड करना चाहेंगे जो कि पेड है, तो मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो क्लिक करके यस कर दूंगा, मतलब किसी और चैनल के जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब हमें ऐड करना है टैग। टैग ऐड करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टैग नहीं डाला तो सारा काम बेकार है। तो अब टैग पे चलने के लिए आपको सिंपली आना है गूगल एडवर्ड पे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर इस पर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कीवर्ड और टैग को कैसे प्लान करें उसके ऊपर आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे कुछ और जैसे कि रिपेयर ब्लूटूथ, इसी तरह का चार पांच कंटेंट डाल दूंगा। और मैं ये चेक करूंगा क्या इन कीवर्ड पे व्यूज़ आ रहे हैं, ये सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद जो है दो चार और डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ डालने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे ब्लूटूथ मिनी स्पीकर, और उसके बाद मैं इस पर सिंपली क्या करूँगा क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे जो है आप जितना चाहें 10 तक जो है इसमें आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 10 डालने के बाद आपको इसमें करना होता है गेट रिजल्ट पे, ठीक है। आप चाहें सिंपली जो है वेबसाइट के लिंक के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, और ये देखिए मेरे सामने सारा जो है कीवर्ड आ चुका है, जितने भी कीवर्ड उससे रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस को सर्च किया है, तो उन सभी का जो बता रखा है कि आपने इन सभी वीडियो को ऑलरेडी इन टैग को यूज़ कर रखा है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ से जो जो मेरे काम का है उन सभी को यहाँ से क्या करूँगा सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है सर्च करने में, तो ये सर्च करने के बाद जो है आपको रिजल्ट दे देगा। और मैं इसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ब्लूटूथ जो है मिलियंस में इसके व्यू है। तो एक कॉपी मैंने यहाँ से कर लिया और बाकी सारा जो है मैं नीचे की तरफ से कर लूँगा। JBL Flip 4, JBL Charger 3 और ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, ये देख रहे हैं मिलियन मिलियन में जा रहा है, 100K से लेके 1 मिलियन तक, इतने व्यूज़। मैं तो कहता हूँ बस मेरे पे जो है 100K आ जाए इतना ही काफ़ी है, फिर 10K, मेरे को मिलियंस नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे लिए इनफ है। तो आप जो है इसमें से हाई रिस्पॉन्सिव कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हाई रिस्पॉन्सिव सारे कीवर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा जितना भी मेरे को चाहिए। आप इसमें से 500 वर्ड का कीवर्ड आपको यूज़ करना होता है यूट्यूब टैग के लिए, वैसे ब्लॉगर के लिए भी 500 वर्ड का ही कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 500 कीवर्ड को जोन जोन सा जो है मेरे को हाई रेटिंग कीवर्ड दिख रहे हैं मैं उन सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। और उसके बाद देखिए जितना भी आप इसमें से आपको जो है बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे दे दिया जाता है जो कि आपके लिए यूज़फुल है और हाई रेटिंग कीवर्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इन सभी को जो है अपने YouTube के लिए, अभी इसमें जो है इतना ही नहीं करना, एक प्रोसेस और है इसको अपलोड करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दो चार और हैं जिसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या कोई और हाई रेटिंग है। तो ये ऊपर एक और गया 10K का और 100K, और इन सभी को यहाँ से कर लेना आपको सिंपली कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको चलना है अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपको जो है इसको सबसे पहला काम डिस्क्रिप्शन में कर पेस्ट कर लें इसको, ठीक है। एंटर मारा और एंटर मार के यहाँ पे कर दिया मैंने सभी को पेस्ट, कंट्रोल भी दबा के। और इन सभी पे अब आपको क्या करना है कोमा लगाना है। जी हाँ, बिना कोमा लगाए आप इन कीवर्ड को जो है अपने टैग में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है कोमा लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोमा लगा के आपको इन सभी को यूज़ करना होता है। तो जितने कीवर्ड हैं उन सभी पे मैं कोमा लगाता हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगा क्या मेरे 500 वर्ड पूरे हुए या नहीं। नहीं हुए तो मैं कुछ ऐड करूँगा, और हो गए तो ओके। तो इन सभी में फटाफट मैं कोमा लगा लेता हूँ ताकि मैं इन सभी को यूज़ कर पाऊँ। तो ये देखिए मैंने इस पर मोस्ट ऑफ ऑल कोमा लगा दिया। अब मैं यहाँ से सभी को कर लूँगा कॉपी, जितने कीवर्ड हैं ओनली, पूरे डिस्क्रिप्शन को नहीं करना आपको, कीवर्ड को। तो ये मैंने कर लिए सारे कीवर्ड को कॉपी,
और यहाँ से कॉपी करके आपको चलना है अपने टैग पे, और टैग में जाके कंट्रोल वी दबा के अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वरना मोबाइल से तो आप सिंपली क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है मेरा हिंदी, उसके बाद यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो है मेरा। आप यहाँ से अपने प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें तो ये है रिपेयर के ऊपर, तो मैं रिपेयर वाले प्लेलिस्ट को इसमें ऐड कर देता हूँ, और भी आप जितना ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ किया डन, और मेरा जो है यूट्यूब वीडियोज के लिए थंबनेल अगर आप अलग से करना चाहें तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके वेबसाइट पे चला जाएगा ये, और वहाँ से आप सेलेक्ट करके इस पर डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, जितना भी हमारा प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और इन सभी को मैंने कर दिया सेव, और ये हो गया पब्लिक हमारे YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको कोई भी देखेगा तो इसमें उसको सारी चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले उसको एक अच्छा सा थंबनेल मिलेगा, क्योंकि वो सर्च कर रहा है ब्लूटूथ स्पीकर, तो वो खुला पड़ा है, उसे दिख रहा है कि इसका रिपेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं YouTube।